कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगेन्द्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता कठोरता शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेन्द्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण है। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तनमात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उसी रूप तनमात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। हे साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना द्रव्य की अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसी आकार प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूपतन मात्रा की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की प्रवृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उसी जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रिय जिभ्या उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यासे बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूपादि में से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर इससे गंध तन मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अविच्छेदक होना, घट आकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेन्द्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगेन्द्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेन्द्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, दृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुप्त और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ, उस अंड से इस विराट पुरुष की अव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है, इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुणी जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उसकी वाक इंद्रिय और उसकी अनंतर वाक का अधिष्ठाता
अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाग के चित्र नथनों से प्रकट हुए, उनकी प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। ग्रहण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के चित्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय स्रोत्र और उनके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। इसके बाद उसे विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम मूछ दाढ़ी सिर तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उसके वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमानी आपोदीप जल उत्पन्न हुआ। फिर गोदा प्रकट हुई, उसी अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेन्द्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनकी गति गमन की क्रिया और फिर पादेन्द्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियाँ उत्पन्न हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उसी क्षुदा पिपासा की अभ्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रागट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ, फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसकी अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि की बाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु उसे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गोदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु उससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों के रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुदा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राणेन्द्रिय मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 27वां अध्याय प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार कर्ता और निर्गुण है। किंतु जब ही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है।
उससे अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरणादि उपसंसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में